हाय एवरीवन दिस इज़ वानिका आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है कि जो कंगारू हैं वो क्यों इंडिया में दिख रहे हैं क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंडिया में नेचुरली कंगारूज जो हैं वो नहीं मिलते हैं तो क्या ये एक स्मगलिंग स्मगलिंग का केस है इसको हम डिटेल में हम जानेंगे आपकी कोई भी क्वेरी हो आप में कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पर बिकॉज आई फील टू क्या दो विकन मेक अज डिफरेंस चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे पी जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी बाकी स्टडी आई आपको प्रोवाइड करता है मोस्टली हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोर्सेज जो कि हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ द्वारा बनाए गए हैं इसमें आपका यू स्टेट पी के कोर्सेज इंक्लूडेड हैं जुडिशरी आर स्टेट पी या से के एग्ज़ाम्स भी इंक्लूडेड हैं अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स के बारे में कोई भी डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्टडी डब्ल्यू 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 डॉट स्टार्यू डॉट कॉम या फिर आप हमारी एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिस्काउंट आपको थर्टी थ्री परसेंट मिलेगा अगर आप कोड यूज़ करेंगे वीरो थ्री थ्री तो आपको थर्टी थ्री परसेंट ऑफ़ भी इन कोर्सेज पे मिलेगा नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक्स कि बेसिकली क्या हुआ जो आज हमारा टॉपिक है कंगारू पे कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने रेस्क्यू किया तीन कंगारू को Uh, जो जंगल है जलपैगुरी वेस्ट बंगाल से वहाँ से तीन कंगारू ने रेस्क्यू किए एक फ़र्स्ट अप्रैल को एक सेकेंड अप्रैल को 2022 की मैं बात कर रही हूँ और लोकल्स को कुछ डेड बॉडीज़ भी uh, नियर बाय रीजन जो है वहाँ पे कंगारू की मिली अब ये जो रेस्क्यू किए गए कंगारू ये इंजर्ड थे और अब मेनली प्रोब चल रही है इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसकी और ज़्यादा डिटेल्स में जाने के लिए क्योंकि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि कंगारू जो है वो इंडिया में नहीं पाया जाता नेचुरली नहीं पाया जाता है राइट right? कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंसेस जैसे इंडिया में है ये उसके लिए सूटेबल प्लेस नहीं है प्रिंट मीडिया में भी ये न्यूज़ जो है वो आई कि जो स्मगलिंग है कंगारू की वो देखी जा रही है ये पिक्चर्स आप कुछ अलग अलग जगह से कलेक्ट की गई हैं ये आप देख सकते हैं uh, थोड़ा सा आपको कंगारू के बारे में बता दूँ कि कंगारू बेसिकली दे आर मारसूपियल्स ओके मारसूपियल्स मैमल्स से कैसे अलग होते हैं मैमल्स अपने मेमोरी ग्लैंड्स के लिए जाने जाते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है मारसूपियल्स क्या है पाउच में अपने बच्चे को पाउच में कैरी करते हैं ये इनकी खासियत रहती है जिस तरह से ये कार्टून भी बना रखा है बट दिस इज हाउ एंड यहाँ पे ये पिक्चर ओरिजिनल भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही बॉर्न होते हैं ये कंगारू पाउच में आ जाते हैं और पाउच से वहाँ से ये ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं सो so, यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन है इनके बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में कि मेटिंग कैसे होती है या मेल कंगारू कैसे इंप्रेस करते हैं फीमेल कंगारू को बॉक्सिंग मैच होता है थर्टी थ्री डेज़ में जब डेवलप हो जाता है एक कंगारू माँ के पेट में फिर वो उसके पाउच में आ जाता है तो एक टाइम पे एक फीमेल कंगारू का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है जोई बोलते हैं हम छोटे कंगारू को कि वो तीन जोइस को एक बार में अपने वूम में एक को वूम में रख सकती है एक को इनसाइड यू नो जहाँ पे ग्रोथ हो रही है एंड यूट्रस में और एक को पाउच में रख सकती है और हर स्टेज के लिए अलग से मिल्क भी प्रोड्यूस करती है फ़ीमेल कंगारू ये इनके कुछ खासियत हैं इनके करेक्ट्रिस्टिक्स हैं न कमिंग बैक टू द टॉपिक कि अभी कंसर्न क्यों है कंसर्न का रीज़न तो आपको समझ में आ गया, गया कि भाई जो एनिमल इंडिया में पाया नहीं जाता वो स्मगल कैसे हो रहा है कहाँ से हो रहा है बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड अब जो कंगारूज़ हैं ये लार्ज मैमल्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में पाए जाते हैं और इंडिया में सर्वाइव करने के लिए बने नहीं हैं यहाँ का जिस तरह का वेदर है मारसूपल्स जो हैं ये ड्राई एरिड हॉट क्लाइमेट जैसे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है वहाँ ये कंफर्टेबली रहते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे ह्यूमिड समर्स हैं या जिन एरियाज़ में ईस्टर्न इंडिया में ये मिल रहा है ह्यूमिड समर्स हैं काफ़ी ह्यूमिडिटी रहती है और जो विंटर्स हैं वो उतने ज़्यादा ठंडे होते, है, cool होते हैं कूल विंटर्स होते हैं उसके बाद कंगारू का क्या खासियत है कि ये लोग ग्रुप में रहते हैं हर्ड एनिमल्स हैं अगर आप इनको अकेले छोड़ देंगे इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना तो ये एक रीज़न है अलीपुर ज़ू में कंगारूस को रखा गया था लेकिन वहाँ पे उनकी डेथ होने लगी मायोपैथी की वजह से क्रोनिक मायोपैथी किस तरह की कंडीशन हो जाती है जहाँ पे आपकी जो मसल है वो डिग्रेड होने लग जाती है काम नहीं कर पाती और इससे आपके हार्ट पे एनिमल के हार्ट पे फ़र्क पड़ता है उसके लंग्स पर फ़र्क पड़ता है और एक पेनफुल डेथ हम एनिमल की इस केस में मायोपैथी के केस में देखते हैं जो रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रिवेंशन एंड क्रूवलिटी है ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कहा कि इस तरह से जैसे इंडिया में आपने आप ले गए जू में रखा मायोपैथी से एनिमल्स की डेथ होने लगी तो ये मायोपैथी को कैप्चर मायोपैथी का नाम दिया गया कि आपने उनको कैप्टिव रखा इसलिए उनकी डेथ हुई कैप्टिविटी में स्ट्रेस इंड्यूस हुआ और इस स्ट्रेस की वजह से ये जो कंडीशन है उनकी मसल इनएक्टिविटी की क्योंकि उनको स्ट्रेस की वजह से ये पेनफुल कंडीशन डेवलप हुई एनोरोपिक मस्कुलर एक्टिविटी जिसकी वजह से एग्जर्शन हुई और एनिमल की डेथ हुई उन्होंने ये रीजन दिया अब स्मगलिंग से क्या थ्रेट है कंगारूज जो हैं ये स्मगल किए जा रहे हैं आपने देखा होगा इंडिया में पहले भी एक्जोटिक स्पीशीज़ जो हैं उनकी स्मगलिंग के बहुत सारे केसेस सामने आते हैं लेकिन इसमें खतरा भी रहता है इस तरह के एनिमल्स का अपने देश में स्मगल होने का ख़तरा क्या रहता है कि कोई डिज़ीज़ कैरी कर सकता है ये एनिमल आपने उसको ला के हमारे देश में हमारे किसी स्टेट में इंट्रोड्यूस कर दिया एक नए प्लेस में इंट्रोड्यूस कर दिया जहाँ के एनिमल्स को और ये जो आपने स्मगल करके एक्जोटिक एनिमल लाया सपोज़ कंगारू लाया इसमें कोई ऐसी बीमारी है जो यहाँ के नेटिव एनिमल्स जिससे एक्सपोज नहीं हैं उनकी बॉडी में उनके इम्यून सिस्टम ने इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है उस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने का तो हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन खतरे में वाइल्ड वाइल्ड लाइफ ख़तरे में पड़ सकती है राइट और डेफिनेटली एक जो रिसोर्स के लिए जदोजहद है वो भी शुरू हो सकती है स्पेस के लिए रिसोस के लिए फॉरेस्ट ऑफिशियल सस्पेक्ट करते हैं ये जो स्मगलिंग रैकेट है एनिमल्स का इनको नॉर्थ ईस्ट में लाया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट से लाया जा रहा है और बाकी देश के पार्ट्स में भी इनको बेचा जा रहा है यूजली हो सकता है म्यांमार से बॉर्डर क्रॉस करके ये आ रहे हैं वहाँ से अरेस्ट से बच के लोग इनको स्मगल कर रहे हैं लेकिन जब कई बार Uh, जिस तरह से कार कैसेज मिले कंगारू की डेड बॉडीज़ मिली वो कैसे मिली कि लाए तो स्मगलिंग के लिए होंगे लेकिन जब ख़तरा हो जाता है कि ओके okay, हम अरेस्ट हो सकते हैं तो लोग एनिमल्स को यूं ही छोड़ देते हैं जंगल में तो जो डेड कंगारू है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाकी के जो इंजोर्ड हैं उनको बंगाल सफारी पार्क में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया है इससे पहले भी केसेस कंगारू स्मगलिंग के देखे गए हैं स्पॉट किए गए हैं अलीपुर द्वार डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे गाड़ियों में लोग इनको स्मगल कर रहे थे हैदराबाद में इस तरह के ट्राफिकिंग के, के केसेस देखे गए जुलाई 2020 में असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो पर्सनल है रेड कंगारू असम मिज़ोरम बॉर्डर के पास भी सीज किया था राइट तो इसके बाद देखिए एनिमल्स इंडिया में एनिमल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि लोग इनको पेट्स रखना चाहते हैं एज़ पेट्स इनको घर में रखना चाहते हैं और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे भी इनको प्रेफर किया जाता है क्यों क्योंकि वहाँ से स्मगलिंग रूट आपका आसान हो जाता है ईज़िली आप स्मगल कर पा रहे हो आपको अथॉरिटीज़ ओपन बॉर्डर्स भी हैं कहीं जगह अब एनिमल्स जो हैं उनको यहाँ पे डिमांड में क्यों है क्योंकि लोगों को बहुत खूबसूरत लगता है खूबसूरत एक्जॉटिक एनिमल्स को चाहे इलीगल पेट इंडस्ट्री एक बड़ा एक रैकेट यहाँ पे चला रही है अब देखिए ये जो पेट एनिमल्स एक्जॉटिक एनिमल्स रखने का शौक़ लोगों को है नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर से ये आते हैं और लोग जो स्मगल करके लाते हैं उनको काफ़ी हाई प्राइस भी मिलता है इसलिए अब ये एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बन चुका है हमारे देश में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जुलाई 2019 में एक लायन कब को भी रेस्क्यू किया गया था कोलकटा से वाइल्ड लाइफ स्मगलर्स उसको पकड़ के ला रहे थे तो इस तरह से आप यहाँ पे यह देख सकते हैं नॉर्थ बंगाल वाइल्ड एनिमल पार्क है यहाँ पे ये यह वो जिस एरिया की हम नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये स्मगलिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है अब देखिए ऑलरेडी कंप्लीट बैन है इंडियन स्पीशीज़ पे उनकी ट्रेड पे बहुत सारे इस तरह के एनिमल्स हैं उन पर ट्रेड बैन ऑलरेडी लगा है लेकिन अब स्मगलर्स का इंटरेस्ट का एग्जॉटिक स्पीशीज़ की तरफ चला गया है इसके ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज भी डिज़ास्ट्रस हो सकते हैं इस तरह से हमने एक टोटाइज़ की भी बात की थी कि रेड ईयर टोटाइज़ है एग्जॉटिक स्पीशीज़ है कि वो इन्वायरमेंट पे किस तरह का उसका ख़तरा पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारे इस तरह के जो स्पीशीज़ होते हैं ये कॉम्पीट करने लगते हैं नेटिव स्पीशीज़ के साथ और उनके साथ कॉम्पीट करते हैं स्पेस रिसोर्स के लिए तो इसके ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो अच्छे नहीं हो सकते लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर एयर रूट्स जो हैं हमारे जो कंसाइनमेंट्स बैंकॉक मलेशिया इस तरह की डेस्टिनेशन से आते हैं साउथ ईस्ट एशिया इनफैक्ट यूरोप की भी बात कर लो आप उनको मेजर सिटीज़ में भेजा जाता है कोलकाता चेन्नई हैदराबाद तो वहाँ पर भी इस तरह के ऐसे केसेस uh, हमको मिलते हैं एक साल पहले ही इस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया था यूनियन इन्वामेंट मिनिस्ट्री ने ऑफ़र किया था इंडियंस को कि अगर आपके पास अनडॉक्यूमेंटेड एग्जॉटिक एनिमल्स हैं तो आप उनके बारे में बताइए कोई सज़ा नहीं दी जाएगी तो 32,000 प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे इंडिया में 25 स्टेट्स से और पांच यूनियन टेरिटरीज़ थे जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि दे पोजेस सच एनिमल्स पैरट्स कॉकटेल्स मैकॉस लव बर्ड्स ये ऐसे सॉट आफ्टर एग्जॉटिक स्पीशीज थे लेमोर्स डाइनोसोरस इगवानाज जो होते हैं तो ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया था डिक्लेयर किया था हमारे पास है सबसे ज़्यादा डिस्क्लोजर्स जो है वेस्ट बंगाल से आए थे नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी फोर केरला से 8,460 तमिलनाडु से 4,213 महाराष्ट्र से 2,623 स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 1920 की अगर आप देखेंगे जो पब्लिश की है डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने दो साल पहले उन्होंने भी बताया कि इंडिया में एक्जॉटिक स्पीशीज़ की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई है तो ये मैंने ऑलरेडी भी कवर किया जॉन्टोटाइज इगवानाज इस तरह के एनिमल्स जो हैं लोग डिमांड में रहते हैं अब कंगारू भी ऐसा आ रहा है कि इलीगल ट्रेड में आपको दिख रहा है तो हो सकता है कंगारू की भी डिमांड जो है वो हो रही हो जाइन टोर्डाइजिस की क्योंकि कार्टन वगैरह में इनको डाल के लाया जाता है लास्ट मार्च आसाम पुलिस ने मैकॉल्स सिल्वरी मारमोसेट्स जो हैं गोल्डन हेडेड टैमरिन जो है इस तरह के एग्जॉटिक एनिमल्स को पकड़ा था और यूजुअली आपको अमेजोन के रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील में मिलते हैं पुलिस ने सस्पेक्ट किया था ये एनिमल्स स्मगल किए जा रहे हैं देश में म्यन्मार बॉर्डर से मोरहे में लास्ट टू ईयर्स में और भी ये सारे एनिमल्स की एग्ज़ाम्पल ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ थर्टी एग्जॉटिक बर्ड्स भी जो है पुलिस ने वो पकड़े थे तो इंडिया एक तरह का हब बनता जा रहा है इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए ट्वेंटी कंट्रीज़ टॉप ट्वेंटी कंट्रीज़ में इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड में इंडिया का नाम आ रहा है क्योंकि डेफ़िनेटली लोग इससे बहुत सारा पैसा जो है वो कमा रहे हैं बहुत हायर प्राइजेस में इनको भेज रहे हैं अब जो स्पीशीज़ इंडिया के नहीं हैं इंडिया में औरिजिनली uh, नहीं पाए जाते उनको प्रोटेक्शन भी नहीं मिलती है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में तो यहीं पे हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है कि अब उनके खिलाफ हम क्या आ, क्या धारा लगाएं कैसे उन लोगों को सजा दें राइट right. और मीन लाइफ मीन वाइल जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल है 2021 इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था जहाँ पे हम स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस करना चाहते थे कि साइट्स के अंदर और भी स्पीशीज़ इंक्लूड किया जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे एक ये भी हमने एक अलग से वीडियो डिस्कस किया था कि एक लीगल स्टॉप uh, हमको नज़र आता है कि हम किस तरीके से इसको डील करें जिन एनिमल्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है इंडियन लॉ के अंदर राइट अब क्वेश्चन आपके लिए विजन ऑफ द फॉलिंग इज ए नेगलेइंग एनिमल एग्लेंग मैमल मोंगूस प्लाटिपस वेल मोल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेलीग्राम में बाकी uh, आप कोर्स के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वीरो थ्री थ्री कोड यूज़ कर सकते हैं थर्टी थ्री परसेंट ऑफ़ के लिए थैंक यू सो मच